अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज मेरा टॉपिक है कि यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल मुझे कैसे आया। यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल भाई ऐसे आया कि मेरी ये पूरी कोशिश थी कि मैं जो भी बात करूं वो एक पॉजिटिव वे में लोगों तक किस तरह पहुंचे। तो मुझे ये तरीका समझ में आया कि YouTube ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। चैनल बनाने से मुझे एक और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसका फ़ायदा मैं आपको ये बताऊं कि पहले मेरा अक्सर टाइम गुजर जाता था फालतू, अक्सर Facebook पे या OLX पे चीज़ें देखते रहना और हज़ार किस्म की चीज़ें हैं, वेबसाइट्स, TikTok। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने चैनल बनाया तो अब मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा स्टडी करूँ, अच्छे टॉपिक चुनूँ, उस पर वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और देखिए, उन तमाम यूट्यूबर से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं उनमें कोशिश करें कि पॉजिटिव थिंक दें, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं आप। और वीलॉगिंग तो बहुत हो गई भाई, वीलॉगिंग बहुत हो गई। अब हमें कुछ काम करना है, कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी हैं, बातों के साथ साथ काम भी करना है। और कोई भी एक टॉपिक उठा लें, पहले पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद आके कोई अच्छी सी वीडियो अच्छी सी लोकेशन पे आके बनाएं और देखें कि आपको लोग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। लगे रहें कोशिश में। हर चीज़ पैसा नहीं है, पैसे से नहीं बनता सब कुछ, लेकिन एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह अगर आप अच्छा काम करते रहे तो ये देख लीजिएगा कि आपको लोग देखेंगे भी और आपको मानेंगे भी। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिनको लोग नहीं देखना चाहते थे, बहुत सी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन नहीं देखना चाहते थे लोग, लेकिन अब उनको देखती हैं दुनिया और उनके नाम हैं, उनको पहचानती हैं।